Morning students, how are you? Are you fine? Okay, today we are going to learn 5th class EVS lesson 4. Let us clean together. साफ सफाई के बारे में आज हम लर्न करेंगे. साफ सफाई हम सब करते हैं और अपना घर पे भी साफ सफाई होता है, अपना रोड में भी साफ सफाई होता है और अपना हर जगह में साफ सफाई जरूरी है और अपना बॉडी को भी हम साफ सफाई रखते हैं. ये सफाई तो बिल्कुल ज़रूरत है हर जगह में. गांधी जयंती वॉज सेलिब्रेटिंग इन आवर स्कूल ऑन 2nd October. ऑन दिस डे क्लीनिंग वॉज हैपनिंग इन ऑल ओवर इंडिया अंडर स्वच्छ भारत मिशन. जब गांधी जयंती का दिन पूरा भारत में स्वच्छ भारत अभियान के नाम से साफ सफाई चलता है, सारे स्कूल में पब्लिक प्लेस सारे साफ करते हैं और रोज अपना मार्केट भी रोड भी सारे साफ करते हैं, सफाई कर्मचारी चलते हैं. आप देखें क्लीनलेस मूवमेंट हैड ऑल्सो टू प्लेस इन आवर स्कूल. अपना स्कूल में भी क्लीनलेस मूवमेंट चलता है. गंगा टुक पार्ट एक्टिविटी आफ्टर कंप्लीटिंग द मिशन. गंगा सो दैट स्कूल वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. पूरा साफ सफाई के बाद देखो कितना सुंदर लगेगा अपना स्कूल. गंगा टोल्ड हिज दिस टू हेयर मदर एट होम दैट शी विल हेल्प हेयर मदर इन क्लीनिंग थिंग्स. उस दिन स्कूल में वो गांधी जयंती का दिन क्लीनलीनेस मूवमेंट हो गया, उस दिन गंगा को समझ गया साफ सफाई कैसे करना है और उस दिन से वो अपने मम्मी को भी हेल्प करना शुरू किया. आप लोग भी अपने घर पे सफाई में रखने के लिए कोशिश करना, कचरा डस्टबिन में डालना और टेबल का, चेयर का, ये विंडो का सारे डस्टिंग करना, ये आप कर सकते हैं. नहीं तो मम्मी करते हैं, तब मम्मी के साथ वो हेल्प भी कर सकते हैं. क्लीन इंडिया मिशन इज़ ए नेशनल लेवल मिशन. क्लीन इंडिया मिशन वो पूरा भारत में देशीय देश का पूरा सफाई में फोकस करके शुरू किया था. स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट. इट्स एम इज़ टू क्लीन द सिटीज रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस. ये इसलिए शुरू किया पब्लिक प्लेस जो जो है, पार्क होता है पार्क भी साफ़ करते हैं, मार्केट ऐसे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे, पब्लिक प्लेसेस लाइब्रेरीज ये सारे क्लीन करना है. दिस मिशन हैड बीन स्टार्टेड ऑन गांधी जयंती आज 2nd October 2014 में ये शुरू किया स्वच्छ भारत अभियान. लेकिन उससे बहुत पहले भी गांधी जयंती का दिन वो सफाई का नाम से चलता रहता था. हमारे बचपन में भी, हमारा स्कूल में भी फ्रॉम 2nd October से 1 week का सफाई अभियान का काम चलता था. अभी का नहीं, ये बहुत पहले मेरा बचपन में, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब से ये चल रहा था स्कूल में. हम भी जाके वो स्कूल पूरा साफ करते थे और आसपास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, लाइब्रेरी ऐसे पब्लिक प्लेसेस है, वो सारे जाके साफ करते थे. ये पूरा बहुत पुराना समय से ये सफाई अभियान चलता रहता है. हम भी ऐसे क्लीन करने के लिए अपना घर के आसपास कचरा नहीं फैलाना. लेकिन अभी ये राजस्थान में मैं बहुत देखा है क्या, रोड में कचरा फेंक देते हैं, जो गंदा पानी भी रोड में जाते हैं और कचरा भी कहाँ फेंकते हैं, अपने घर के अंदर कचरा पसंद नहीं कोई, लेकिन रोड में सब लोग चलते हैं उसी रोड में कचरा फेंक देते, ये भी अच्छा नहीं लगा. हम इसमें ध्यान रखना. जो लोगों को इतना जानकारी नहीं वो लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हम तो ये सीखना है साफ सफाई हर जगह में
होना चाहिए, हम कर सकते हैं। ओके, इसमें गंगा सफाई अभियान में जुड़ गया, उसके बारे में बता रखा है। आप ये लेसन को रीडिंग करना। हाँ, अपने घर पे कहाँ कहाँ हम साफ सफाई रखना है, टॉयलेट बाथरूम ये सारे बिल्कुल साफ सफाई में रखना है, और किचन किचन में भी बिल्कुल सफाई होना चाहिए, कुछ भी चीज़ ऐसे फैलाना नहीं, ये सारे हम ध्यान रखने का चीज़ है। जो सफाई से हम करते हैं वो दिखाने के लिए नहीं, अपना हैबिट होना चाहिए। गंगा अस बाबी एंड गंगा वेर रिटर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़ ट्रिप, दे शोड हेयर देयर ट्रिप्स फोटोज। गंगा सो ऑल प्लेसेस वेर वेरी क्लीन एंड टाइडी। हर जगह में वो रास्ते में जो गया था, ट्रिप में गया था, वो देखा था हर जगह में सारे जगह क्लीन एंड टाइडी, बिल्कुल साफ। नाउ शी थिंक टू स्टार्ट दैट आवर हाउसेस आर स्मॉल एंड नॉट सो क्लीन एवरीवेयर। भाभी चंडीगढ़ फ्रेंड इज अबाउट टू कम इन देयर विलेज, ही विल नॉट लाइक इट। ओ, उनका भाभी विलेज में आया, वो वहाँ इतना साफ सफाई नहीं था, लेकिन सिटी में बिल्कुल साफ सफाई में रखते हैं। ही विल नॉट लाइक इट, शी डिस्कस इट विद हेयर भाभी। हेयर भाभी वॉज मैच्योर, शी कन्विंस गंगा दैट द क्लीनिंग ऑफ हाउस डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द हाउस साइज। It is not for show off, but it should be our habit. जो बड़ा घर होता है साफ सफाई में रख सकते हैं, छोटा घर में इतना साफ सफाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अमीर लोग तो सफाई रख सकते हैं, गरीब लोग का सफाई, ऐसा कुछ नहीं। सबको साफ सफाई एक जैसा होना चाहिए हर जगह में, ये अपना हैबिट होना चाहिए। कुछ भी चीज़ ऐसे नीचे गिर गया तो हम वहाँ से उठाना है, ये अपना हैबिट होना चाहिए। वो वहाँ छोड़ के फिर उसके पैर लगा के और पूरा जगह में फैलाते, ऐसा गंदा आदत है, ये गंदा लगेगा। घर छोटा है तो बड़ा है तो ये अपना आदत में होना चाहिए। साफ सफाई अब ज़्यादा से सिखाने का ज़रूरत नहीं, हम सब अपना घर को साफ सफाई में रखते हैं। लेकिन इसी लेसन में और हम इसमें ध्यान रखने के लिए बताते हैं, अपना घर पे ध्यान रखना साफ सफाई में, और अपना चारों तरफ कचरा फेंकना ये बंद कर दो। कचरा एक जगह में वो कचरा का गाड़ी आते उसमें डाल देना, नहीं तो कचरा डालने का अलग जगह होता है उसमें डाल देना, वैसे रोड में और अपना घर के चारों तरफ फेंकना नहीं, ये इसमें बहुत ध्यान रखने का चीज़ है। हमारा पूरा ज़िंदगी में ये चीज़ें काम आ जाते हैं। When a patient went to Gandhiji's ashram, he got to work of cleaning toilets initially. एक बार गांधी जी के आश्रम में एक व्यक्ति आ गया, he got the work of cleaning toilets इनिशियली। गांधी जी के घर पे कोई भी आ जाएगा तो सबसे पहले गांधी जी एक काम देते थे, वो क्या देते हैं, वो टॉयलेट साफ करने का। व्हेन ही बिकेम एक्सपर्ट इन इट देन अपॉइंटेड फॉर सम अदर वर्क्स। वो उसमें टॉयलेट साफ करने में एक्सपर्ट हो गया था, अच्छे से साफ करना सीख गया तो और कुछ काम दे देते, बिकॉज महात्मा गांधी गेव मैक्सिमम इम्पोर्टेंस टू नीटनेस एंड क्लीनिंग। जब महात्मा गांधी इसलिए करते हैं क्लीनलेस, उनका जीवन में बहुत प्रमुख था,
Today, Swachh Bharat Mission is holding in all over India. Its purpose is to clean roads, stations, bus stand, etc. And there should be a dustbin at everywhere. हर जगह में डस्टबिन लगा रखा है, लेकिन हर जगह में कभी कभी हम देखते हैं डस्टबिन को भी पलट के डाल रखे हैं, कचरा फैल जाते हैं रास्ते में, डस्टबिन ऐसे कैसे पड़ा है। हम ऐसे नहीं करना, ये अपना जिम्मेदारी है, इसको सीधे रखे करना है। और एट द सेम टाइम रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज इज ऑल्सो नेसेसरी। कचरा हम फेंक देते हैं तब जो रिसाइकल कर सकता है ऐसा कचरे को अलग से रखे, वो रिसाइकल के लिए भेज देना, बाकी जो सड़ जाता है ऐसा कचरा बस हम फेंकना। ये हमारा वातावरण अच्छा होने के लिए बहुत सही होता है। वो ऐसे भी गांधी जी के बारे में एक कहानी है। गांधी जी एक बार एक गांव में जाके, वो गांव का लोगों को साफ सफाई नहीं मालूम, इसलिए गांधी जी ने सोचा वहाँ जाके उनको साफ सफाई सिखाएंगे। गांधी जी अपना फ्रेंड्स को लेके उस गांव में गया, सारे घर का टॉयलेट साफ करके दे दिया, बिल्कुल साफ सफाई हो गया सभी का टॉयलेट। और 6 महीने के बाद गांधी जी दोबारा गया, वो कैसे है, है? वो लोग साफ सफाई में रखते हैं या गंदा करते हैं देखने के लिए। तब जाके देखा तब बिल्कुल गंदा मिल गया। तब किसी ने पूछा ये आप लोग ये टॉयलेट क्यों साफ नहीं करते। तब विलेज का लोगों ने ऐसे जवाब दे दिया, क्या वो तो गांधी जी और गांधी जी का दोस्त तो आएंगे साफ करेंगे, किसका काम है साफ सफाई करना टॉयलेट, वो गांधी जी और गांधी जी का दोस्तों का काम। ऐसे लोग समझ गया, गांधी जी इसीलिए किया उनको सिखाने के लिए, एक बार करके दिखाएगा तो वो करेंगे, ये सोच के गांधी जी ने किया। लेकिन उल्टा पड़ गया, ये जब टॉयलेट साफ करने के लिए कौन जाएगा, हर बार गांधी जी और दोस्त जाएगा नहीं, सिखाने के लिए वो गया था। लेकिन ऐसे हम गलत भी समझते हैं, ये साफ सफाई के बारे में इसलिए हम सिखाते हैं, हर लोग हम भी टॉयलेट यूज़ करते हैं, वो टॉयलेट में ब्रश भी रखते हैं, हर बार एक जन यूज़ करके बाद वो ब्रश से थोड़ा साफ करेगा तो कभी भी टॉयलेट गंदा नहीं लगेगा, क्यों, और अगली बार कोई जाएगा तो साफ मिलेगा। ऐसे हमारा हैबिट होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं ये टॉयलेट साफ करना और किसी का काम है, है हमारा नहीं, टॉयलेट यूज़ करने का काम अपना है तो साफ करने का भी अपना काम है। समझ में आया? हाँ, इसलिए अपने घर पे भी है, शायद घर पे मम्मी टॉयलेट साफ करती है, ये सिर्फ मम्मी का काम नहीं, हर जन जो जो यूज़ करते हैं उनका काम है, इसलिए ध्यान रखना। ओके, ये रीड द लेसन वेरी केयरफुली एंड learn this matter or keep in your mind about the cleanliness. Okay, thank you.